Welcome back, students. In the next lecture from our series one, we are discussing the chapter drawing. We have already discussed what is drawing, what is the theory of drawing, what are various equipment used for drawing. We have discussed ray dryer, tunnel dryer, rotary dryer, two dry square dryer, vacuum dryer, and then freeze dryer. Now we are going to start our next topic, that is dryer used for solutions and suspensions. Dryers used for solutions and suspensions. स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है सॉल्यूशन फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में होती है और हमें उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. उसके लिए हम स्पेशल टाइप के ड्रायर्स हैं उनको हम यूज करते हैं. इन ड्रायर्स का मेन पर्पज क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको आप इस तरीके से स्प्रेड करिए उसका जो सर्फेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए. ठीक है, तो जितना ज़्यादा लार्ज सर्फेस एरिया होगा उतनी जो है ड्राइंग जो है फास्ट होगी. फास्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइंग होगी तो बहुत जल्दी होगी. ठीक है, तो इस पर्पज के लिए हमारे पास दो तरह के ड्रायर आते हैं. फर्स्ट इज ड्रम ड्रायर, सेकंड इज स्प्रे ड्रायर. ड्रम ड्रायर में हम क्या करते हैं, हम जो लिक्विड है उसको एक थिन फिल्म की फॉर्म में स्प्रेड करते हैं. इस मेथड से हम उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज करते हैं. जो स्प्रे ड्रायर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम लिक्विड को जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्पर्स करते हैं. इस मेथड से हम लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ड्रम ड्रायर. ड्रम ड्रायर का डायग्राम ये देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने बनाया हुआ है. बहुत ही सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है. इसमें क्या है कि एक हॉलो जो है रोलर है, ये जो रोलर है उसमें उसकी जो सरफेस है एक्सटर्नल सरफेस, ये देखिए ये रोलर है, ये रोलर जो है इसकी एक्सटर्नल सरफेस जो है पॉलिश है, बिल्कुल स्मूथ है और इसको आप लार्ज सरफेस एरिया आपको मिलता है हीट
फिल्म की थिकनेस को मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी होनी चाहिए उसको कंट्रोल करना, और इवन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये टेक्निकली ट्रेंड पर्सन ही इसको ऑपरेट कर सकता है, नॉर्मल कोई वर्कर इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। अब इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है कि बहुत सारे सुशील और सस्पेंशन की ब्रांडिंग में हम इसको यूज करते हैं, जैसे हम इसको यूज करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स। आपने देखा मार्केट में मिल्क पाउडर आता है, लैक्टोजन आता है बच्चों के लिए, वो सारी चीजें इसी ब्रांड्स के प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर स्टार्च की प्रोडक्ट्स हैं, फेरस सॉल्ट्स हैं, जिंक ऑक्साइड और प्योरिन की जो सस्पेंशन है वो इन ब्रांड के थ्रू जो है प्रिपेयर की जाती है। तो ये है आपका ड्रग ड्रायर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर का बेसिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे भी हमने जो हमारा सॉल्यूशन या सस्पेंशन जो भी लिक्विड है उसको हम जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना हीट एंड मास ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उतनी फास्ट जो है रैपिड ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा साइक्लोन सेपरेटर जैसा मिलता जुलता दिखेगा। इसमें हम क्या करते हैं तो इसमें देखिए सारा कुछ इस डायग्राम का जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें एक ड्राइंग चैम्बर है, इधर से हॉट एयर की इनलेट है, यहाँ पर डायमेंशनल इनलेट है, लिक्विड की फीड वहाँ से आ रही है, ऑटोमीटर यहाँ पर फिटेड है, ये ड्राइंग चैम्बर है, एयर जो कूल होगी कहाँ जाएगी, एयर की आउटलेट इधर है, जो ड्राई प्रोडक्ट है वो आपको नीचे मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके जो कुछ पार्ट हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्प्रे ड्रायर है इसमें जो भी लिक्विड जिसको आपने ड्राई करना है उस लिक्विड को आप जब लिक्विड फीड जो इनलेट है वहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या लिक्विड जो होता है ये मिस्ट की फॉर्म में स्प्रे हो जाता है। जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स इसके मिलते हैं हमें मिस्ट की फॉर्म में ऑटोमेजर के थ्रू, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो है जो चैम्बर होता है उसकी बॉटम के ऊपर जो लिखा है ना नीचे ड्राई प्रोडक्ट वहाँ पे फॉल कर जाते हैं, तो ये जो वेपर्स होते हैं ये सेपरेटर के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं और फाइन ड्राई पाउडर आपको जो है वो नीचे मिलता है तो आप नीचे कलेक्ट करते हैं। स्प्रे ड्रायर भी ना बहुत सारे फॉर्म्स में डिजाइन में अवेलेबल है। तो हमने जो डायग्राम बनाया है साइक्लोन सेपरेटर, अगर आपको याद हो साइक्लोन सेपरेटर जैसा मिलता जुलता डायग्राम हमने बनाया है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं उनका करैक्टर कैसा होगा, तो आपको ब्राइट पार्टिकल मिलेंगे उनका करैक्टर कैसा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड को आप किस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो ऑटोमेजर हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो राइट टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो मार्केट में दो तरह के ऑटोमेजर आते हैं, एक जेट ऑटोमेजर है और एक रोटरी ऑटोमेजर है। ये जो ऑटोमेजर होते हैं ये इजिली ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जेट वाले जो है वो इजिली ब्लॉक हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट के साइज में वेरिएशन आती है। जो रोटरी ऑटोमेजर है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रोटरी को प्रेफर करते हैं कि वो इजिली ब्लॉक नहीं होते हैं। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, यहाँ से हम हॉट एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे रोटरी फीड आ रही है ऑटोमेजर के थ्रू, वो जो फीड है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही है, सर्कुलेट होकर ड्राइंग हो रही है, नीचे कोल्ड एयर की आउटलेट है और ड्राई प्रोडक्ट आपको नीचे मिल रही है। अब है इसके एडवांटेजेस, ये जो लिक्विड है ऑटोमेजर के थ्रू जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हीट और मास ट्रांसफर जो है वो भी हाई हो जाती है और उससे जो है इवेपोरेशन बहुत रैपिड हो जाती है, ये इसका मेन एडवांटेज है। सेकेंड क्या है कि रैपिड इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पाते, जो मोस्ट ऑफ द हीट हम यहाँ पे यूज करते हैं वही होती है जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
एडवांटेजेस ऑफ स्प्रे ड्रायर। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो ये बहुत बल्की होता है, साइज में बड़ा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। तो बड़ा होने की वजह से स्पेस में ये ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, ये कॉम्पैक्ट है कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो लार्ज है लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है। ये है स्प्रे ड्रायर के डिसएडवांटेजेस। अब आती है एप्लीकेशन। ये बहुत सारे जैसे ये बहुत सारे थर्मल वाले सब्सटेंसेस जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं आप इसको। जैसे सिट्रिक एसिड है, बोरेक्स है, सोडियम फास्फेट है, हेक्सामीन है, जेलेटिन है, और बहुत सारे एक्सटेंट जो है वो स्प्रे ड्रायर से ड्राई किए जाते हैं। फिर स्टार्च की सस्पेंशन, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ये सारे भी इसी मेथड से ड्राई किए जाते हैं। मिल्क, सोप, डिटर्जेंट, ये सारे भी स्प्रे ड्रायर से ड्राई किए जाते हैं। तो ये है आपका स्प्रे ड्रायर, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रे ड्रायर। अब आ गया लास्ट आपका माइक्रोवेव ड्रायर। माइक्रोवेव आज कल हमारे घरों में भी है, आप अपने घरों में भी यूज करते हो किसी पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। तो माइक्रोवेव ड्रायर जो है मॉडर्न टेक्निक है ड्राइंग की। तो इसमें क्या है कि हम माइक्रोवेव की एनर्जी को यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। ये जो एनर्जी होती है जो माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव के फॉर्म में एनर्जी होती है, इसको हम इंटरनल हीट में कन्वर्ट करते हैं। मटेरियल के साथ इंटरेक्शन के साथ ये जो माइक्रोवेव एनर्जी है ये इंटरनल हीट में कन्वर्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसके अंदर रैपिड हीट ट्रांसफर होती है, उससे ड्राइंग हो जाती है। जो हीटिंग फैक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे वो कैसे होता है कि रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है 950 से लेके 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसकी हम इंटरेक्शन कराते हैं पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ। मटेरियल के अंदर जो पोलराइज्ड आयंस या मॉलिक्यूल्स है उनके साथ इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की। फिर अगर फील्ड अपनी पोलैरिटी को जो है रिवर्स करेगा तो रिलैक्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मूवमेंट होगी, ठीक है। ये जो रैंडम मूवमेंट होती है ये ब्रिलियंट बॉल लाइक मूवमेंट होती है। और इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव ड्रायर्स होते हैं वो स्टैटिक बेड टाइप के यूज होते हैं, उनमें कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता है। जिस भी मटीरियल को आपने ड्राई करना है उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आगे के आगे से वो लेके जाते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मटीरियल की, ठीक है। तो जो हीटिंग है यहाँ पे वो हॉट एयर की स्टीम से भी होती है इंडस्ट्री लेवल पे, और उसके बाद माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है मॉइस्चर उसका माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होता है। तो ये माइक्रोवेव ड्राइंग जो है कहाँ पे यूजफुल है, ये थर्मल वाइज फार्मास्यूटिकल मटीरियल्स के लिए, यानी हीट सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल मटीरियल जैसे विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या फ्लेवर्स है, उनको ड्राई करने के लिए हम माइक्रोवेव ड्राइंग यूज करते हैं। तो ये है आपके सारे के सारे इक्विपमेंट जो ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कम्प्लीट होता है। थैंक यू।